जो अपने ऊपर ये बोझ को समझ पा रहे हैं, बार बार वही चीज़ें, मैं तो अपने आप को इतना पाप से मुक्त रखता हूँ तो फिर ये पाप मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है, मैं तो बार बार अपने आप को इतना सही रखता हूँ, ये बार बार रिकरेंस क्यों हो रहा है, कहीं कोई प्राण बंधन तो नहीं है आपके साथ, एक ही चीज़ रिपीट होए जा रही है, कहीं आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर के वचन से तो दूर नहीं हो रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ का जीवन तो नहीं जी रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको भगा दो, कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, ये मेरे दायरे हैं, ये मेरी लिमिट है, मेरे दायरे के अंदर रहिए। अगर जो आपके बाउंड्रीज़, जो दायरे आपने सेट किए हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो मेरे स्टाफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो चर्च स्टाफ है। अब हाल ही में एक साहब का फ़ोन आया, वो साहब कहते हैं मेरे पास 3 लाख फॉलोअर्स हैं, अभी बात कराओ पास्टर जी से, अभी देखो मेरा चैनल। मैं क्या, मैं तेरे 3 लाख सॉफ्टी लगाऊंगा चाटने में तेरे 3 लाख फॉलोअर्स? आप मेरी इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे स्टाफ ने बोला है कि मैं कोई, अगर मैं फ्री हूँ मैं तुरंत से आऊँगा आपके पास, ऐसा नहीं कि मैं सारे दिन यहाँ पर रोटियाँ तल रहा होता हूँ, या मैं मतलब बैठा हूँ अपने कमरे में आराम से पैर पे पैर रख के और चाय कॉफ़ी चल रही है, नहीं, काम चल रहा होता है 24 घंटे, यहाँ काम चल रहा होता है, 1 सेकंड नहीं रुकते हम। अगर कोई कह रहा है कि मैं आऊँगा तो कहते नहीं आप आइए, मैंने आज तक बात नहीं की, मैं तू चाहे कोई भी हो, अगर आप मेरी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते मैं आपके साथ बंधन नहीं बनाऊंगा, ये मेरा लेवल है, ये मेरी बाउंड्री, आप रिस्पेक्ट करिए। क्या आप अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं वचन के हिसाब से कि ये वचन का दायरा है, मैं इस दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा? सीधी बात है, ओ यार पैग ना लाई, तू मेरे नाल बह जा और कोल्ड ड्रिंक खोल ले, तू कोल्ड ड्रिंक पी ले हम पैग पियेंगे। क्यों भाई, क्यों कोल्ड ड्रिंक पी लूँ? कोल्ड ड्रिंक मैं अपने घर जाके पीऊँगा, मैं तेरे नाल पैग क्यों पीना है? गल करनी है अरमान नाल, होश में कर। हम सिगरेट पी लेंगे, तू खड़ा रहे बस, तुझे कुछ नहीं करना, तू खड़ा रहे, मैं क्यों खड़ा रहना जब मैंने पीनी नहीं। तो नहीं जाना इन सब जगहों पर, दायरे क्रॉस करते हैं ना। मैं अपने बॉयफ्रेंड नाल मिलना चाहिए, तू साथ खड़ी हो जा, क्यों जुड़वे पैदा हुए थे, तूने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाना, तू जा, मैं नहीं जाती, मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड नाल चलना है, तू भी चलो, दी भी सहेली तू, मैं क्यों जाऊं उधर, जबरदस्ती है गोए छाथ पाना। आपको पता नहीं है ये सारी चीजें, ये इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए अच्छा है, मगर ये पति पत्नी शादी करके बैठे हुए हैं, 10 साल तक एक साथ है, 10 बच्चे कर लिए उन्होंने, मगर दिल अभी भी बाहर वो जो उसके साथ लगा हुआ है, क्योंकि हमने तोड़ा ही नहीं यहां से, तो इसलिए शादी में चल नहीं रहे, परमेश्वर का प्रेम फ्लो ही नहीं कर रहा परिवार में, मेरे को उसकी शक्ल देखते ही चिढ़ आती है, क्यों आती है, क्या हो रहा है, तोड़ो, समझो। चर्च कहां से शुरू होता है, जहां 2 या 3 इकट्ठा है मेरे नाम से, 2 या 3 कहां इकट्ठा है उसके नाम से, तुम्हारे घर में, सबसे पहला चर्च आपका घर है, आपके घर में क्या हो रहा है, प्लीज समझिए इसको, बहुत ये गहरी बात है। हमारे घर अच्छे होंगे, लोग खुद ही पूछेंगे यार तेरे घर में झगड़े नहीं होते, ये शांति कैसी है तेरे घर में आके, तेरे साथ जब मैं बैठता हूँ तो मेरे को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद होंगे तभी दूसरों को आज़ाद कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ आइए इसी बात के साथ, आज़ादी हमारा हक है। जब आप लूका रचित समाचार 4:18 पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं आया ही हूँ आज़ादी देने के लिए, तो ये आज़ादी आपका हक है। मैं नहीं जानता आज कौन सा पॉइंट आपके लिए है, कौन सी बात आपके लिए, ये आप जाने, परमेश्वर जाने, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना ये है कि आप उसमें से आज़ाद हो जाएं और एक फ्री कलीसिया की तरह, जो आज़ाद आदमी होता है, जो आराधना करने के लिए आज़ाद होता है, लाइफ जीने के लिए आज़ाद होता है, वैसी आज़ादी में चलें। आइए हम प्रार्थना करें।